बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे आपके पास कि एल्कीन्स की जो सिंथेसिस है वो कैसे होती है, यानी कि हम एल्कीन्स को कैसे बना सकते हैं। आपकी बुक में ये जो टॉपिक है ये पेज नंबर 149 पे गिवन है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास एल्कीन्स क्या होते हैं। एल्कीन्स, जैसा कि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। पूरे मॉलिक्यूल के अंदर अगर कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम उस मॉलिक्यूल को कहेंगे कि ये जो है आपके पास ये एल्कीन है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। ओलिफिन्स का मतलब ये होता है ऑयल फॉर्मिंग, तो ये इनका एक नाम है। जैसे एल्कीन्स को आपके पास हम पैराफिन्स कहते थे या वैक्सिस कहते थे, इसी तरह एल्कीन्स का जो दूसरा नाम है, कॉमन नेम है, वो है ओलिफिन्स। इसके अलावा जी आपके पास जो इनका जनरल फार्मूला है, इसका मैंने कल भी जिक्र किया था, ये है आपके पास CnH2n। मतलब ये है कि अगर आप n की जगह नंबर कोई भी डाल दें तो आपको पता चल जाएगा इस फार्मूला से कि उसके अंदर हाइड्रोजन कितने आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऐसा एल्कीन है जिसके अंदर 4 कार्बन है, तो उसके अंदर जो आपके पास हाइड्रोजन होंगे वो 8 होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 दफ़ा डबल बॉन्ड आ जाए तो उनको हम डाइन्स कहते हैं। इसी तरह अगर 3 दफ़ा डबल बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आ जाए तो हम ट्राइन्स कहते हैं। यानी कि बेटा, अभी आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर एक डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा। वो मॉलिक्यूल आपके पास बेसिकली एक एल्कीन भी हो सकता है और एक अल्काइन भी हो सकता है, तो इसलिए हम उसको नॉर्मली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह देते हैं सिर्फ। लेकिन अगर किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ जाएँ तो वो एक और चीज़ है, उसको हम डाइन्स कहते हैं। इसी तरह अगर किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 डबल बॉन्ड आ जाएँ, यानी कि 3 जगह पे डबल बॉन्ड अलग अलग आ जाएँ, तो हम उनको ट्राइन्स कहते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, इनका आप ख्याल रख लीजिएगा। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी बुक में ये गिवन है पेज नंबर 149 पे, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मतलब ये कि हमारे पास कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम आपके पास एल्कीन्स जो है उनको बना सकते हैं। इनको मेथड्स ऑफ सिंथेसिस भी कहते हैं, प्रिपरेशन भी कहते हैं, फॉर्मेशन भी कहते हैं। यानी कि आपके पास बनाने के तरीके क्या भला, एल्कीन्स ऐसे वाली चीज़ें बनाने के तरीके जो जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो। तो सबसे पहले जी आपके पास है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आप इसमें देखिए, डी का मतलब होता है रिमूव करना, डी ई जो है इसका मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रोजन की रिमूवल, हैलोजिनेशन और हैलोजन की रिमूवल ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यानी कि अगर हम अल्काइल हैलाइड में से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन अगर रिमूव कर दें तो आपके पास एल्कीन बनते हैं। मैंने आपसे चैप्टर 7 में जब फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको कहा था कि आप जी इन फंक्शनल ग्रुप्स के फार्मूलाज को अच्छी तरह याद कर लें ताकि आपको पता चलता रहे आगे आके कि क्या होता है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अगर आपने उस वक्त गौर नहीं किया है तो आप दोबारा उस वीडियो को देख लें और वहाँ से समझ लें अच्छी तरह से कि आपके पास अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। बहरहाल, आज तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ ये देखते हैं कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। आप अगर किसी अल्काइल हैलाइड में से एक हैलोजन रिमूव कर दें और एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो आपके पास जो रिज़ल्ट में चीज़ बनती है उस वो एल्कीन होगी। ज़रा गौर करें, नीचे जो फर्स्ट आपको एग्जांपल दी गई है, ये आपके पास एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकती है। अच्छा, अब आपके पास ये एक, आपको अपनी बुक में से गौर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो, वरना आप वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये जो कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इन 2 हाइड्रोजन में से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करें और ये जो साथ वाली कार्बन है CH2, इसका जो हैलोजन है ये रिमूव करें। बेटा, हमने ये करना होता है कि साथ साथ वाली जो 2 कार्बन होती हैं इनको हम कहते हैं एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन में से एक का आप हैलोजन रिमूव करें अल्काइल हैलाइड में से। अल्काइल हैलाइड की एडजेसेंट कार्बन, मतलब साथ साथ वाली कार्बन, वो वाली जिसमें एक के साथ हैलोजन लगा हुआ हो, उनमें से एक का हैलोजन हटा दें और दूसरी का आप हाइड्रोजन हटा दें तो आपके पास एल्कीन बनता है। तो सामने अगर आप गौर करें तो डबल बॉन्ड बन गया। कैसे बनाया, ये कि हमने एक कार्बन का एक्स हटा दिया, दूसरी कार्बन का हाइड्रोजन हटा दिया और आपके पास एल्कीन बन गया है। अब ये जो एच और एक्स हमने निकाला, ये कहाँ गए हैं? तो ये अगर आप कैटलिस्ट वाली जगह पे गौर करें तो आपके पास लिखा हुआ है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में से जो के है वो एक्स के साथ रिएक्ट करेगा और आपको अपनी इक्वेशन के अंदर ये के एक्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह जो ओ एच है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, वो जो एच सी एच टू से निकला था उसके साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास वाटर बनेगा। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। ये आपके पास इथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है। इथाइल ब्रोमाइड में से जब आप एक हाइड्रोजन निकालेंगे फर्स्ट कार्बन का और सेकेंड कार्बन की जब आप सेकेंड कार्बन से आपने ब्रोमीन रिमूव करनी है, ये जो एच है ये इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास वाटर बन जाएगा। इसी तरह ये जो दूसरी कार्बन का बी आर है ये इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के
पोटाशियम के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास के बी आर बन जाएगा, और हमारे मॉलिक्यूल से एच भी निकल जाएगा और बी आर भी निकल जाएगा, और आपके पास डबल बॉन्डेड इथीन का कंपाउंड आ जाएगा। समझ लगी हुई है? इस तरह करके आपने ये सारे रिएक्शंस जो हैं याद कर लेने हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आपके लिए आगे अच्छी खासी मुश्किल होने वाली है, तो अगर आप साथ के साथ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। तो ये वाला रिएक्शन आपने क्लियर कर लेने। अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन देते हैं हम आपकी बुक में। ये दिया हुआ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन मतलब डी, मैंने अभी आपको बताया इसका मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, तो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स। अगर अल्कोहल्स से हम पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल दें, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल दें, तो आपके पास जो है अल्कीन्स बनते हैं। अच्छा अब आप यहाँ पर गौर करें, ये आपके पास सी एच टू लिखा हुआ है और इसके साथ वाली कार्बन पे आपके पास हाइड्रोक्सिल लिखा हुआ है। इस सी एच टू में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालें और इस हाइड्रोक्सिल को पूरा निकाल दें तो आपके पास ये वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, और साथ में आपके पास एक पूरा अल्कीन का जो मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने ये गौर करना है कि आपके पास कैटलिस्ट जो हैं वो कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं। ये नीचे अगर आप देखें तो आपको तीन मुख्तलिफ तरह के कैटलिस्ट दिए हुए हैं, P4O10, कंसनट्रेटेड H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड। ये आप कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। इसके अलावा ये जो यहाँ पे अलुमिना और 340 से लेकर 450 तक का टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है, ये कंडीशंस हैं इस रिएक्शन के होने के लिए। तो कैटलिस्ट आपने याद रखने, इसके अलावा जो थीरियो के अंदर जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये वाले कैटलिस्ट जो हैं आपके पास, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपने याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम कौन कौन से कैटलिस्ट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा, आपने जो आप अपनी अच्छी तरह जब आप रिएक्शन तैयार कर रहे हो तो ये ख्याल कर लिया करें कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा था और प्रोडक्ट कौन सी थी। जैसे यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल है और इससे आपके पास अल्कीन बनी है, तो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे नहीं आएंगे कि जी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिखें क्या होती है। आपसे ऐसे वो कह सकते हैं जी आपके पास अल्कोहल है, आप उससे अल्कीन कैसे बना सकते हैं, या वो आपसे कह सकते हैं कि जी हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कौन सी प्रोडक्ट आती है, या वो आपसे कह सकते हैं कि आप अल्कोहल से अल्कीन्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप अच्छी तरह ये रिएक्शन को ख्याल से देख लिया करें। इसी तरह जो साइड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट से वही वाली चीज़ रिएक्टेंट से दोबारा बन सकती है। मतलब ये कि अभी मैंने यहाँ अल्कोहल से वाटर को निकाला है और साथ में अल्कीन बन गई, इसी तरह अगर मैं अल्कीन के अंदर वाटर को ऐड करूँ तो आपके पास अल्कोहल बन जाएगा। तो बहरहाल ये तो आप जब सारा कुछ तैयार कर लेंगे तब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप कम से कम इतना ज़रूर याद रखा करें कि जो हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड है वो क्या है, और उसकी वजह से प्रोडक्ट वाली साइड में क्या चीज़ बन रही है, और हमने कैटलिस्ट के तौर पे क्या डाला था, और इस रिएक्शन का नाम क्या है। फिलहाल जितनी ज़्यादा चीज़ें आप एक रिएक्शन के दरमियान से अपने माइंड के अंदर बिठा लेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन जो आ रहा होता है वो इक्वेशन आपको याद होती है लेकिन उन्होंने किसी और तरीके से पूछा होता है तो आपको समझ नहीं आती कि इसमें हमने क्या लिखना है। अच्छा, यहाँ पे नीचे अगर आप गौर करें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि सबसे जल्दी जी आप रिमूव कर सकते हैं वाटर टर्शरी अल्कोहल में से, उसके बाद जी उससे कम जल्दी आप रिमूव कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से, और सबसे मुश्किल से आप वाटर रिमूव कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल से। तो अभी आपको ये नहीं पता कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। बेटा, प्राइमरी अल्कोहल ये होता है कि आपके पास वो वाली कार्बन जो हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है वो आगे से सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो डायरेक्टली, तो इस तरह के अल्कोहल्स को हम प्राइमरी अल्कोहल्स कहते हैं। आपने ये नहीं कहना कि ये जो CH2 है, ये आगे जो R ग्रुप है, ये भी तो कोई कार्बन ही है। बेटा, वो बिल्कुल कार्बन है, लेकिन जो आपके पास वो वाली कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है वो डायरेक्टली सिर्फ फर्स्ट वाली कार्बन के साथ अटैच है जो कि है CH2, सिर्फ एक के साथ, और आगे जो CH2 है वो किसी और कार्बन के साथ अटैच है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि वो डायरेक्टली कितने के साथ अटैच है। अगर वो एक के साथ अटैच हो तो इस तरह के अल्कोहल्स को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। अब ये नेक्स्ट में देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी कार्बन हो जिसके साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल लगा हुआ हो और वो आगे से डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच हो तो इस तरह वाले अल्कोहल को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो सेंटर वाला CH है जिसके साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, ये आगे से डायरेक्टली एक CH3 के साथ और एक CH2 के साथ अटैच है, तो इस तरह वाले अल्कोहल्स को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और टर्शियरी अल्कोहल आपके पास ये होता है कि जिस कार्बन के साथ आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कार्बन आगे से डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ अटैच हो, तो आपने ये देखना होता है कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो आगे से डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ अटैच है। अगर वो एक के साथ अटैच है तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल, अगर दो के साथ अटैच है तो हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, अगर तीन के साथ अटैच है तो हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा, अब जब आप प्राइमरी अल्कोहल में से वाटर रिमूव करेंगे तब भी आप
आपके पास अल्कीन बनेगा। इसी तरह सेकेंडरी और टर्शरी में से भी आप जब वाटर की रिमूवल करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई अल्कीन बनेगा। जब अब हम प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशंस पे गौर करते हैं, ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपके पास 75% सल्फ्यूरिक एसिड है और 140 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक आपके पास जो है टेम्परेचर है। इसी तरह अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की कंडीशंस पे गौर करें तो वो डिफरेंट है, आपके पास 60% सल्फ्यूरिक एसिड है और 100 डिग्री सेल्सियस जो है आपके पास टेम्परेचर है। यहाँ पे मैंने आपको ये बताना था कि आपने ये देखना है कि प्राइमरी अल्कोहल में हमने टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा दिया है, क्योंकि उसमें से जो वाटर की रिमूवल है वो मुश्किल से होती है, डिफ़िकल्ट है, तो हमने ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई किया। सेकेंडरी अल्कोहल में हमने कंपेरेटिवली कम टेम्परेचर यूज़ किया और आपके पास वाटर की रिमूवल हो जाएगी। इसी तरह लास्ट में आप टर्शियरी अल्कोहल देखिए, यहाँ पर हम बिल्कुल कम टेम्परेचर जो है वो अप्लाई करते हैं और इसके बाद आपके पास वाटर की जो रिमूवल है वो पॉसिबल हो जाती है। आज के लिए बस इतने रिएक्शंस काफ़ी हैं, फिलहाल आप इनको अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं उनको देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।